और बात जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मिशन हेल्थ की। मिशन हेल्थ में बात रोहतक के पीएचसी अस्पताल की। इस अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी की वजह से मरीजों को तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं साथ ही पीएचसी भवन की जर्जर हालत की वजह से अस्पताल का स्टाफ भी डर के साए में अपनी नौकरी करने के लिए मजबूर है। हरियाणा के कई सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी सरकार के बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के दावे की पोल खोलती नजर आ रही है। रोहतक के पीएचसी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ भी स्टाफ की कमी की वजह से अक्सर मरीजों को या तो वापस लौट जाना पड़ता है या फिर उन्हें रेफर कर दिया जाता है। जी मीडिया की टीम पीएचसी में पहुंची तो वहाँ केवल एक स्टाफ नर्स ही मौजूद थी, जिसने बताया कि एक डॉक्टर छुट्टी पर है, दूसरे की पोलियो के लिए ड्यूटी लगी हुई है, जिसके चलते वो वहाँ अकेली है। फिलहाल तो देखो जी, दो मेडिकल ऑफिसर हैं, एक छुट्टी मैटरनिटी लीव पे है लेडीज जो LMO है, और दूसरे की आज है पोलियो में ड्यूटी। वहाँ मरीजों का कहना है कि किसी बड़े डॉक्टर के ना होने की वजह से उन्हें दवाई देकर दोबारा आकर दिखाने के लिए बोला गया है। डॉक्टर तो बोले गोली ले ली, फर्क हुआ तो ठीक से ना फिर गया जी। मैडम ने देख कर गोली दे दी। और क्या कहा? बोला कल दिखा लियो। स्टाफ नर्स ने ये भी बताया कि पीएचसी के भवन की हालत जर्जर हो चुकी है, जिसके लिए आला अधिकारियों को लिखा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, बिल्डिंग तो काफी खंडम है जी, ऐसे में टपकती है पूरी बारिश में, और इसके लिए दे भी रखा है, लिख के भी दे रखा है यहाँ के मेडिकल ऑफिसर ने। उधर डिप्टी CMO डॉक्टर्स की कमी की बात से तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन भवन की खराब हालत को लेकर उनका कहना है कि इसके लिए उन्होंने पत्र लिखकर आगे जानकारी दी है। समर गोपालपुर में जहाँ तक डॉक्टर पोस्टेड है समर गोपालपुर में, बिल्डिंग का हमने बिल्डिंग के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास ग्रांट आ चुकी है, जो हमने PWD को भेज दिए। एक तरफ जहाँ स्टाफ नर्स स्टाफ की कमी की बात कर रही है और मरीज डॉक्टर की गैर मौजूदगी की वजह से अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर हैं, तो वहीं डिप्टी CMO साहब इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं, और इसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। रोहतक से राज टाकिया के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट सी मीटिया। और अब बात हिमाचल के मौसम की। हिमाचल में बारिश और ओलावृष्टि से सूबे के कई जिलों में लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा है, फसलों को नुकसान हुआ है, कई जगह आवाजाही प्रभावित हुई है। सूबे के आपदा प्रबंधन विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान के आकलन की रिपोर्ट जिला उपायुक्तों से मांगी है। हिमाचल में हालिया बारिश और ओलावृष्टि से सूबे में कई जिलों में लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा है, कुछ जगहों पर फसलों को नुकसान पहुंचा है, तो कांगड़ा और चंबा में जानी नुकसान के साथ लोगों के मकानों को क्षति पहुंची है। सबसे ज्यादा नुकसान चंबा जिले में बताया जा रहा है। शिमला में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, वहीं कुछ जगहों पर आवाजाही भी प्रभावित हुई है। मंडी और कुल्लू में भी बारिश से नुकसान की खबर सामने आई है। वर्षा से कुछ एक पक्के मकानों का कच्चे मकान ध्वस्त हुए हैं, जैसे कि 5 कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 5 पक्के मकान और इसमें 33 कच्चे मकान और 38 काउ शेड्स सिर्फ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही डैमेज हुए हैं। इसी के साथ कुल्लू में 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है, साथ ही आसमानी बिजली गिरने से भी इसमें रामपुर में 2 लोगों की मृत्यु हुई है। हिमाचल आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर में करोड़ों का नुकसान हुआ है, जिसका आकलन करके भरपाई की कोशिश की जाएगी। हॉर्टिकल्चर में अगर हम कहें तो नुकसान तो कुछ 37-36 करोड़ का बता रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं, STRF के जो नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली कोई 5 करोड़ उसमें मदद मिल सकती है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर में भी कोई 18 करोड़ के करीब नुकसान हुआ है। सूबे के कुछ जगहों पर फसलों के लिए बारिश का इंतजार जरूर था, लेकिन इसी बारिश ने कई जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि ने बागवानों और किसानों को निराश किया। शिमला से विशाल द्विवेदी, जी मीडिया।